कल्याण नहीं, ये समाज में जहर है। आई रिपीट, जहर है, जहर है, जहर है। अब बाबा साहेब का बी भी अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया होता ना, तो ऐसी जहालत की बातें नहीं करती। अब मैं एग्जांपल दूं, गए जिस धर्म के लिए पृथ्वीराज चौहान ने घास की रोटियां खाई, बारे में एक तुच्छ प्राणी, एक केजरीवाल। जो नारा अपमानित करने वाले हैं वो मुख्य धारा में है, तो क्या मुख्य धारा की राजनीति में है? ये सामाजिक दायरे में है? जो प्लीज आंसर, जो प्लीज आंसर वन बाय वन। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे अनइंटरप्टेड बस एक मिनट चाहिए, उसके बाद बिल्कुल मत बोलने देना। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल जो है, ये समाज कल्याण नहीं, ये समाज में जहर है। आई रिपीट, जहर है, जहर है, जहर है। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं, जिस धर्म के लिए वीर शिवाजी ने उसको बनाया, सीचा ऊपर लेकर आए, जिस धर्म को इस पूरी दुनिया में विवेकानंद लेकर गए, जिस धर्म के लिए पृथ्वीराज चौहान ने घास की रोटियां खाई, जिस धर्म के लिए महाराणा सांगा से लेकर इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने अपनी जान दे दी, उस धर्म के बारे में एक तुच्छ प्राणी, एक केजरीवाल के मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। अगर इस उलट इस दुनिया में जो दो सबसे बड़े धर्म है उनके खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं, तो गर्दन कहीं और अभी तक पड़ी होती। एक मिनट बोला मैंने, पूरा एक मिनट चाहिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नुपुर शर्मा ने जहालत का लेवल ये देखिए, जहालत का लेवल ये देखिए, किसी के भी हिम्मत है? जहालत का लेवल ये देखिए, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट किया बीजेपी ने, मोदी जी ने सपोर्ट किया है नुपुर शर्मा, बताएंगे क्या? आपको नहीं पता वो भी गलत थी, वो भी गलत थी, और ये बात भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। और अरविंद केजरीवाल ईमानदार और सच्चे हिंदू हैं, ईमानदार और सच्चे हिंदू एक ही है, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जिसने अपनी लाखों करोड़ों की इज्जत छोड़ करके देश के लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी आप लगा दी। और जानबूझ के गुजरात के अंदर जिस तरीके से बीजेपी वाले इस पर काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पूरा देश मुद्दा ये नहीं है, अरविंद केजरीवाल मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इंटेंशन क्या है, क्यों, सवाल क्या है, यही सवाल जी। नाम जी, अगर सनातन पूरा ब्रह्मांड है तो अरविंद केजरीवाल उसमें चींटी बराबर नहीं, हम सब है। दूसरी बात, जहां तक इस देश की संस्था और इस देश के सनातन की बात है, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा तोड़ा था, 100 साल युद्ध लड़ा इस देश का मराठा, और 1770 में आके उन्होंने वो मंदिर मथुरा में बनाया, ये क्या बेवकूफी है, दिस इज अनबिलीवेबल। राहुल एक मिनट, ये तो मैं तुम्हें दे दूं, राहुल इसके बाद आपका, राहुल इसके बाद आप ही बोलेंगे, उसके बाद मैथिल, उसके बाद जी राहुल और राहुल को राशिद और रुक जाओ, मुझे बोलने दो, मेरा राइट मत सेटल करो, मैं बोलूंगा ही नहीं उसके बाद, एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्या है सर? धर्म के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी और उन्होंने उसको उतना सम्मान रखा, उनका एक ये इतना सा मंत्री जो है यहाँ पर बैठकर इतना अपमानित करके चले जाते हैं, और जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ये सब कहा, तो बाबा साहेब को कोट कर दिया उसने। बाबा साहेब का बी भी अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया होता ना, तो ऐसी जहालत की बातें नहीं करती। अब मैं एग्जांपल करिए, 10 सेकंड भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बुक में इस देश में पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर उसको कोट करने पे आ जाए और उसको मानने पे आ जाए ना, तो ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं रह जाएगा। इतनी सारी किताबों में उन्होंने चीजें लिखी है, उन्होंने कहा है कि इस देश का मुसलमान कभी भी इस देश के साथ नहीं रह सकता, वो अपने ब्रदरहुड को मानता है, इस देश में, इस दुनिया में बाकी की 55 कंट्रीज में जो भी मुसलमान है वो उनको अपना भाई मानता है, वो इस देश के लोगों को नहीं मानता, और आखिरी मुसलमान यहां से चला जाना चाहिए और आखिरी हिंदू पाकिस्तान से आ जाना चाहिए। आप क्या सारी बात मान ले, नहीं मान सकते, प्लीज कंट्री में रहते हैं।